भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है और यही वजह है कि हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री को उनके द्वारा लिए गए फैसलों को याद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाकायदा पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें पीएम मोदी की आवाज में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक बयान सुनाई दे रहा है। इसी को शेयर करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इस शेयर वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी आवाज में अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए, एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण, शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बता दें, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूरा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। अपने कार्यकाल में जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, देश हित में जो कार्य उन्होंने किए, उन सबको आज एक बार फिर से याद किया जा रहा है। 98वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी की और इसीलिए अलग अलग तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यूं तो वो राजनीतिज्ञ थे लेकिन आज उन्हें हर एक देशवासी याद कर रहा है। सिर्फ राजनीतिक जगत के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से अपने साथ अटल बिहारी वाजपेयी के अनुभवों को साझा कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में अटल बिहारी वाजपेयी का क्या योगदान था, कितना प्रभाव था, अलग अलग तरह से ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उनके लिए मोदी के मन में कितनी श्रद्धा है इसका भी वो उदाहरण देते हुए नजर आए हैं एक वीडियो के जरिए जो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। बहरहाल, अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरह से पीएम मोदी ने याद किया, उनको सच्चा राष्ट्रभक्त बताया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।